चल लिए बहुत ज्यादा चौड़ा चल लिया यार। सूर्यांश हाँ यहाँ पे हो गया सर। इधर है सूर्यांश, इधर 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 क्या हुआ बता। गोवा की डायरेक्टर ने परमिशन दे दी 31st की पार्टी करने के लिए, लेकिन वार्डन नहीं दे रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि 3 ईयर है और बात करने के लिए सिर्फ 2 लोग आए हैं, तो थोड़ी यूनिटी बनानी है, पूरे हॉस्टल को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तो कहाँ जाना है अभी? अभी हमें नीचे जाना है ग्राउंड पे। हाँ, वार्डन से बात करने के लिए, परमिशन लेने के लिए। तो कौन कौन पार्टी कर रहा है अभी? बस अभी पूरा पूरा हॉस्टल पार्टी करेगा, रात में डीजे बजेगा, तो 31st की पार्टी करेंगे। तो चलो ठीक है, चलते हैं अभी, आते हैं। तो अभी यार कुछ प्लान बन रहा है कि न्यू ईयर की पार्टी हो सकती है, बिकॉज अभी यार मतलब कि जो डायरेक्टर है उन्होंने परमिशन दे दिया है कि डीजे बजा सकते हैं हॉस्टल में, बिकॉज यार अभी थोड़ा सा हॉस्टल में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसीलिए अलाउ नहीं कर रहे हैं कुछ कुछ बंदे। तो अभी जो हमारे वार्डन है जो हॉस्टल के हैं वो अलाउ नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि 3-4 बच्चे गए थे पूछने के लिए सेकेंड ईयर से हमारे ईयर से, तो उन्होंने डिनाई कर दिया था। लेकिन अभी यहाँ पर मीटिंग है और वहाँ पर सारे बच्चे आ रहे हैं, तो पता चला है कि अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। अभी तो यार डायरेक्ट मैं भी फोटो को एडिट कर रहा था यहाँ पर, बिकॉज इंस्टाग्राम पर आज पोस्ट करना था तो उसे एडिट कर रहा था। तो अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर शुरू हो गया टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है। बस और कोई काम नहीं है। बताना क्या हुआ अभी? हर बार वही बताऊंगा, बताना एक बार और बता जल्दी। हुआ कुछ ऐसा कि पहले तो हमने डायरेक्टर से परमिशन ली, ठीक है, सभी स्टूडेंट ने, तो परमिशन मिल गई थी। फिर क्या हुआ कि गार्ड कहते कि गार्ड क्या वो वार्डन वगैरह कह रहे थे कि हम अरेंज नहीं कर पाएंगे, इतने बच्चों को संभाल नहीं पाएंगे, तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। वो कहते 3 तारीख को कर देते हैं तुम्हारी पार्टी, न्यू ईयर तो आ जाए। तो उसी बात पर ना कि सारे न्यू ईयर पर पार्टी करना चाहते हैं, बट वो कह रहे हैं कि तुम्हें मंडे को कर लेना तुम। फिर हमने हमारा वो रखा सजेशन कि मतलब हमारा 4 तारीख को वाइवा है, ठीक है, तो हम कैसे कर पाएंगे, मंडे को सेलिब्रेट करेंगे और 4 को वाइवा है। तो वो कहते कि हम वाइवा आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन मंडे को ही पार्टी करनी है। पार्टी तो आज ही करनी है बट पार्टी आज ही करनी है। तो इसी सिलसिले में अभी अवजा सर को बुलाया गया है जो वार्डन है हमारे। एक वार्डन गायब है क्या अभी? नहीं, सारे गायब है, ठीक है, एक अवजा सर ही है। अच्छा, तो वो तो जाएगा तब भी। इसलिए वो कह रहे हैं कि वार्डन एक ही है, तो इस चक्कर में एक वार्डन संभाल नहीं पाएगा, तो इसलिए अभी अवजा सर को बुलाया, उनसे डिस्कशन होगी और उसके बाद कोई मैटर सॉल्व आएगा। और बस स्टूडेंट ने सोचा कि अब हॉस्टल में कोई नहीं जाएगा जब तक परमिशन नहीं मिलेगी। ये क्या बात है? जब तक परमिशन नहीं मिलेगी हॉस्टल में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि न्यू ईयर को पार्टी करेंगे तो करेंगे। उठा के ले आया तो ये देखो, ये भाई सो रहा था मेरा, इसको उठा ले, मैं खुद यार एडिटिंग पे बैठा हुआ था, मैं सो रहा था मजे से। तो इसलिए जब तक परमिशन नहीं मिलेगी जब तक यहाँ से हिलना नहीं जाएगा। लेट्स सी क्या होता है यार, लेट्स सी। तो अभी यार हमारे वार्डन आ चुके हैं हॉस्टल के। सॉरी को कहीं खड़े होने की जरूरत ना है, वो साला दूर से वो उसको सब देखता है जहाँ खड़ा हो जाए। अभी तो सबसे भी ऊपर जा रहा है इतने पे खड़े हो गए। कितनी हाइट है? 7 फुट का हो गई। छह सात
ओए सौरभ इधर आ, क्या हुआ, कुछ पास हो रहा है कुछ? कहते हैं कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपने 3 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दी थी हमें, दी रखी थी, और 3 दिन पहले हमने बोला था ऐसे भी। अच्छा, अभी ये बता होगा कि नहीं होगा ये बता। तो सर तो बोल रहे हैं कि मुश्किल है। मुश्किल है, अबे छोड़ अनऑफिशियल कर लो यार, क्यों इतना पूछा पाछी कर रहे हो? अरे अभी डिस्कशन चल रहा है। मुश्किल भाई, वो मना ही करेंगे, कोई लड़ाई वगैरह नहीं होगी, तो सर ने बोला कि आप पर तो भरोसा ही नहीं है। अबे अनऑफिशियल कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ वही करेंगे बाद में, वो लास्ट ऑप्शन अपना है। 6 से 8 सेलिब्रिटी निकलेगा। अर्पित क्या हुआ? 6 से 8 उसने बोला है ना, हुआ कुछ ऐसा, हमने परमिशन मांगी डीजे पार्टी करने की, तो सर बता के गए कि 6 से 8 तक करो तो कर लो। अभी तो मेरे जिम का टाइम नहीं होगा, तो जिम आपको छोड़नी पड़ेगी। बच्चे कह रहे हैं हमारे हॉस्टल के, बच्चे कह रहे हैं हॉस्टल के पार्टी कैंसिल, रात में करेंगे अनऑफिशियल पार्टी होगी। अनऑफिशियल कर लो, हम आपके लिए एक अरेंजमेंट लेकर आए हैं, 31 दिसंबर नाइट के लिए, आज ही के लिए ना, पार्टी ऑफर, रात को एक पार्टी ऑफर लेकर आए हैं, जिसमें कि हम रख रहे हैं 200 रूपए पर हेड। 200 रूपए पर हेड रखने के बाद आपको वहाँ डीजे मिलेगा, ओके, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और खाने पीने को कुछ मिल सकता है। अभी 4000 रूपए 20 बंदे होंगे, अच्छी डील है ये, अच्छा एंजॉय करेंगे। नहीं वो तो मैं इसमें ओनली 3rd ईयर होगी और कोई इंक्लूड नहीं होगा। नहीं तो लगा दिया जाए। अभी क्या बोलते हैं वो सेकंड ईयर वाले भी प्लान कर रखे थे ना, सेकंड ईयर वालों का अभी अभी कैंसिल हुआ है, कैंसिल हो गया। और हम जो करेंगे ना, हम ज्यादा बड़े अनऑफिशियल होगा, पर ज्यादा बड़े उसमें नहीं होगा, हल्का अपने छत पर रख लेंगे, छोटा सा स्पीकर वगैरह कुछ मंगा लेंगे बाहर से, सही रहेगा वो। चलो ठीक है यार, मैं तो रेडी हूँ। तो अभी यार जस्ट मैं कुछ अरे के क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, तभी मेरे दोस्त है एंड मेरे खुद के ईयर वाले एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, न्यू ईयर पार्टी, तो उस भाई बेस्ट रहेगा, आज रात में पार्टी करेंगे। एंड उससे पहले हमारे जो सेकंड ईयर वाले बंदे थे, उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया सोच रखा था, वो एक हेल्दी वे में सोच रहे थे कि पार्टी को ऑर्गेनाइज करें, लाइक डीजे उजे या फिर बहुत सारी चीज़ें और भी सोच रखे थे, तो परमिशन लेने गए थे तो उन्हें डिनाई कर दिया गया। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि यार अगर करना था पार्टी तो चुपचाप कर लेते, किसी को कुछ घंटा ना पता चलता, एंड उसके बाद जो होता देख लेते यार, लेकिन इतना ज़्यादा पूछोगे तो यही होता है, मना कर देते हैं। तो हमारे जो ईयर वाले हैं बिना पूछे खुद से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और अनऑफिशियल है, और हो भी जाएगा आई नो। उससे पहले भी जाऊंगा एक बढ़िया सा वर्कआउट सेशन लगाऊंगा, बिकॉज आज के दिन सोच रहा हूँ कि मैं हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, माइनर सा अपने शोल्डर को टच करूँ और दूसरा कार्डियो सेक्शन को कंप्लीट करूँ, बिकॉज कार्डियो सेक्शन करे मैं हफ्ते में एक दिन कार्डियो सेक्शन जरूर रखता हूँ, बिकॉज उस दिन यार अपने बॉडी की मोबिलिटी को मैं टेस्ट कर रहा होता हूँ, और अभी मेरी बॉडी की मोबिलिटी बहुत कम हो गई है यार, मतलब कि एक तरह से पीछे हाथ करने में भी थोड़ा सा फील होता है, यहाँ से टाइट सा फील होता है, तो मतलब कि एक स्ट्रेचिंग जरूर रखा करो अपना एक्सरसाइज में, जिससे कि आपकी बॉडी की मोबिलिटी नहीं जाती है, लाइक मेरी अभी चली गई, मैं स्ट्रेचिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, लाइक जाते ही मैं वार्म अप भी करता हूँ तो यार मुश्किल से 5 मिनट करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ वार्म अप, तो अभी बढ़िया से वार्म अप भी करूँगा आज, पूरे बॉडी को स्ट्रेच भी करूँगा, तो अभी आपको मैं जिम जाने से पहले मिलूँगा। फाइनली यार आज हमारा कार्डियो सेक्शन, और जिम में देख रहे हो कितनी सजावट चल रही है, बहुत ज्यादा सजावट चल रही है यार। सर अभी मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाया, बिकॉज ज्यादा शूट करने के लिए था ही नहीं यार, कार्डियो सेक्शन था इसीलिए थोड़ा बहुत शूट किया है, तो अभी सीधा चलते हैं हॉस्टल और दिखाता हूँ क्या होने वाला है अभी। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, अभी टाइम हो रहा है 9:30 एंड अभी उठा हूँ मैं, एंड हैप्पी न्यू ईयर आज के दिन अगर इस व्लॉग को देख रहे हो, आज तारीख है 1 एंड यार कल रात में बहुत सारी चीज़ें स्किप हो गई, लाइक पार्टी भी थी यार, लेकिन हमारे ईयर में हो नहीं पाई, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें चल रही थी तो हो नहीं पाया, मैं बता नहीं सकता क्या क्या चल रहा था। तो आज देखते हैं क्या प्लान बनता है, तो अभी यार वीडियो में ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए रह नहीं गया, बिकॉज आज के दिन में नई चीज़ें से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, एंड आप नेक्स्ट व्लॉग का वेट करो, क्या पता कुछ इंटरेस्टिंग आ जाए, बिकॉज अभी इस व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। अगर अभी तक आप देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।